ये वाले जो दो तीन दरख्त हैं, एक ये वाला है, एक ये इधर इस जगह पे था और एक वो है। मिसवाक तोड़ने की नाकाम कोशिश की गई है। ये चेक करें, यहाँ से ये इस जगह से ये देखें। एक्चुअली नाइफ के बगैर इसको काटना मुश्किल है क्योंकि इस पे कांटे लगे हुए हैं, तो मुझे घर से नाइफ लाना याद नहीं रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अब्दुल वहाब, वेलकम करता हूँ आपको अपने यूट्यूब के चैनल पे। अभी अभी थोड़ी देर पहले नाकाम कोशिश की गई है मिसवाक को तोड़ने की। नाकाम कोशिश इसलिए क्योंकि मुझे कोई भी नाइफ ये चाकू घर से ले के आना याद नहीं रहा। और माशाल्लाह से वैदर चेक करें यार, अभी तकरीबन जो टाइम है वो 5:30 का है। तो एक तो मैंने यहाँ से एक डेरे से दूध लेना था तो वो उठाना है, और पहले अबू आते थे लेकिन आज बाइक निकाल के मैं ही आ गया हूँ कि एक तो दूध उठा लूँगा और दूसरा छोटी सी एक वीडियो भी बन जाएगी। बस घर से निकल आए हैं और बड़ा ज़बरदस्त मौसम है। यहाँ पे एक परिंदा बोल रहा था, बड़ी खूबसूरत यार उसकी आवाज़ है परिंदे की। ग्रीनरी ये आप चेक करें, असल में मैंने हेलमेट के लिए कुछ माउंट्स वगैरह जो थे ऑर्डर दिए हुए थे, लेकिन वायरस की वजह से अभी तक ऑर्डर जो है वो डिलीवर नहीं हो पाया, तो इसलिए यहाँ पे मैंने एक वीडियो बनाई हुई है इस जगह पे। आज बीमार था तो मैंने सोचा कि यहाँ पे एक वीडियो बनाते हैं, कुछ एक दो क्लिप आगे बनाएंगे। तो बस आज की जो वीडियो है इसमें यही है दिखाने को। ये वाली जगह तो आपने पहले भी देखी हुई होगी, ये वाली, फिर भी एक दफ़ा चलते हैं ऊपर। यहाँ पे आई थिंक कुछ काश्त उगा हुआ है। बाय द वे मौसम चेक करें, अभी भी रोशनी सही ज़्यादा नहीं निकली, रोशनी अभी भी कम है। इस जगह पे भी कोई चीज़ जो है काश्त की हुई है, तो वो बाइक खड़ा किया हुआ है। एक्चुअली मिसवाक तोड़नी थी यहाँ से लेकिन वो नहीं तोड़ पाया क्योंकि नाइफ नहीं थी, और नाइफ के बिना काम थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन खैर अभी चलते हैं यहाँ से आगे और आगे का सीन आपको दिखाते हैं। वीडियो के साथ ही रहिएगा, चलते हैं। और अभी वहाँ से ये इस जगह से यहाँ पे खड़े हुए थे, और सामने मैंने ये आपको कड़काली दिखाया था, और ये स्टेडियम बन रहा है ये वाला हमारे टाउन का। तो यहाँ पे कुछ कच्ची ज़मीन पड़ी है, और यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे एक क्रिकेट खेलने के लिए सीमेंट की फ्लैट सी सतह, पिच क्या कहते हैं इसको, मैं तो इतना क्रिकेट नहीं खेलता, लेकिन खेलने के लिए उन्होंने कुछ ये बनाई हुई, और सूर्य भी चढ़ गया। और मैंने सोचा कि आपको थोड़ा सा जो है छोटा सा सीन चेक करवाएं। बाय द वे यहाँ पे इस जगह पे एक फार्म भी बनाया गया है, डेयरी फार्म है, और ये कुछ बारिश का पानी यहाँ पे खड़ा है। खुश्क तो नहीं होता ये,
लेकिन यह है कि इसमें से बास दफ़ा यहाँ से पानी नीचे उतर जाता है इस जगह से, तो अभी भी ये आप चेक करें ना, अभी भी पानी काफ़ी कम है। तो बाय द वे मैं बताता चलूँ कि सुबह जो मौसम था बहुत ही ज़बरदस्त ठंडा मौसम था, मैं जब आया हूँ तो यकीन करें मुझे ठंड लगने शुरू हो गई थी, लेकिन जब मैं उधर से यहाँ से तकरीबन कटास तक पहुँचा हूँ तो धूप जो है काफ़ी तेज़ धूप आ गई है और सीन जो है बड़े मज़े का भी हो गया है। अगर आप मुझे काफ़ी टाइम से देख रहे हैं या चैनल पर अगर पुराने हैं तो ये वाली जो जगह ये मैंने पहले बाय द वे डिस्कवर की हुई है, तो कोई सिनेमैटिक्स देखें उसके बाद आगे का कुछ प्रोग्राम सोचते हैं। तो एक हमने टूर ऐसे ही बाइक पे लगाना था तो वो लगा लिया, माउंट्स होते तो एक ज़बरदस्त सी वीडियो बनाते। जो बाइक की चाबी है बाइक में ही है, अभी मैंने चेक की है तो पानी तो ये वाला साफ़ नहीं है अभी, उस जगह पे वहाँ पे चश्मा एक होता था लेकिन अभी नहीं है। तो दोस्तों कुछ सिनेमैटिक्स आप चेक करें उसके बाद आपको मिलते हैं। Take me where you go when the sun goes down like a lightning. क्लिप्स बनाने के लिए जब मुझे इस वाले पत्थर पे मैं खड़ा हुआ हूँ तो मेरे साथ बड़ी बुरा गंदा सीन होने वाला था कि जो मोबाइल है ये पानी में गिरने वाला था, क्योंकि मेंढक बैठे हुआ था। तो मैंने सोचा कि इसका एक छोटा सा क्लिप बनाते हैं तो थोड़ा सा वो फ्रेम में आया भी होगा, लेकिन नहीं बना सका, मोबाइल जो है वो पानी में जाने लगा था। सो अभी मैंने दूध उठाना है और फिर वापस घर जाना है, फिर सारा दिन घर ही, कुछ बाज़ार से अगर सामान लाने वाला हुआ तो वो लेके आएंगे, अभी कटिंग भी करवानी है, लॉकडाउन की वजह से सब शॉप्स अभी बंद हैं तो, लेकिन घर में बुला के किसी बार्बर को कटिंग भी करवाएंगे और माशाल्लाह से सूरज भी काफ़ी ऊपर आ गया है। तो उम्मीद करूँगा कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, सो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो इसी के साथ ही अब्दुल वहाब को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, बहुत सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़।